हे गाइस, आज मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन बट बैडली इफेक्टिंग प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूँ और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। स्किपिंग ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट जितना ही इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे होता है ना, उतना ही ज़्यादा स्किप किया जाने वाला मील भी होता है। मतलब लाइक डिनर हम कभी स्किप नहीं करते हैं, लंच भी मोस्टली हम कर ही लेते हैं, बहुत ही रेयर केसेस में हम लंच स्किप करते हैं, बट ब्रेकफास्ट को तो हमने इतना लाइटली ले रखा है ना कि यार भागो फटाफट। एटलीस्ट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मेरा हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी नौबत तो डेफिनेटली आ जाती है कि मुझे लगता है आज मुझे अपना ब्रेकफास्ट स्किप करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्रेकफास्ट स्किप करने से कितनी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफस्टाइल में, आपके हेल्थ में, आपके वेट लॉस में आ सकती है। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो स्पाइक करता है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज, आप इन्विटेशन देते हो डायबिटीज जैसी मेजर प्रॉब्लम को। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो तो आप अपने मेटाबॉलिज्म की तो ऐसी की तैसी कर देते हो, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से खराब हो जाता है। और अगर आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो गया, कितनी भी कोशिश कर लोगे ना, आप ना तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाओगे, ना ही आप कुछ भी हो जाए आप अपना वेट लॉस कर पाओगे। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करते हो तो एक जो सबसे अच्छी बात बाकी चीजों के साथ आती है वो ये आती है कि आपकी अर्ली साइंस ऑफ एजिंग भी ना स्लो डाउन हो जाती है। आपको एक हेल्दी ग्लोइंग एंड यंग यूथफुल स्किन भी मिलती है अगर आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करते हो तो। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको, मैं कह रही हूँ कि आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए तो अब आपने कुछ भी दबा के पराठे खा लिए, आपने ब्रेड बटर जैम कुछ भी अनहेल्दी चीज़ें खा करके, बट आपने बोला कि भाई हमने ब्रेकफास्ट तो कंप्लीट कर दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे सिर्फ आप अपने पेट में ना अनहेल्दी चीज़ें बस फिल कर रहे हो, तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मुझे जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी सिचुएशन मेरे साथ हो ही जाती है कि मैं या तो मुझे ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ता है या फिर मतलब एकदम से मैं मुझे ढूंढना होता है कि मुझे सबसे इजी मतलब जल्दी से जल्दी कुछ भी हेल्दी क्या मैं ले सकती हूँ, वैसी चीजों के लिए मुझे सर्च करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा जो हेल्प किया है वो सबसे ज्यादा मुझे अपने लिए जो बेनिफिशियल लगा है वो कपिवा का मसाला सुपर ग्रेन मिक्स जो है, ये मेरे लिए बहुत इफेक्टिव रहा है। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही इजीली बन जाता है, सबसे झटपट बनने के साथ साथ सारी हेल्दी चीजों से फिल्ड है, ये पैक्ड है, पावर पैक्ड है आप इसको कह सकते हैं। तो इसकी सबसे अच्छी बात में से मुझे एक दो चीजें जो टॉप लेवल पे मेरे रैंकिंग में आती है ना, वो ये है कि इसमें कोई भी एडेड फ्लेवर, एडेड कलरेंट एंड प्रिजर्वेटिव कुछ भी एडेड नहीं है। कुछ भी ऐसा अनहेल्दी चीज़ जिसको आप बोलते हैं ना, जिसकी वजह से मैं मोस्टली रेडी टू ईट मील्स जो हैं वो अवॉइड करने के लिए बोलती हूँ, वो सारी चीज़ें इसमें अवॉइड की गई हैं, जिसकी वजह से ये मुझे सच में बहुत इफेक्टिव लगा है अपने डाइट में इंक्लूड करने में। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कपिवा का मसाला सुपर ग्रेन मिक्स बनाना कैसे है। ये जो पाउच है इसका, मैं अपने लिए एक पाउच ही बनाती हूँ और एक बार में आपको एक पाउच बनाना है और उसको इस तरीके से कट करके आपको उसको जिस भी पैन में या फिर अगर आप माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो माइक्रोवेव के बाउल में आपको ले लेना है। मैं यहाँ पर पैन यूज़ कर रही हूँ तो मैं इसमें इसको निकाल लूँगी और इसमें आप देख सकते हैं कि आपको वेजिटेबल्स, ड्राइड वेजिटेबल्स के भी आपको दिख रहे होंगे इसमें पार्टिकल्स, ये सारे ड्राइड वेजिटेबल्स हैं। अभी आप इसमें देखिएगा कि इसमें आपको पाउच में ही कितने ml पानी लेना है वो मेजरमेंट दिया हुआ है। इसी पाउच में आप इसी मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ तक पानी फिल कर लेंगे और उतना पानी इसमें आप डाल देंगे, तो आपको अलग से कुछ भी टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको कितना पानी इसमें ऐड करना है नहीं करना है, बस इसके लेवल तक फिल कर लेना है वाटर को और इसमें आपको उसको डाल देना है और उसके बाद बस स्टोव को ऑन कर देंगे और 3 मिनट तक के लिए हम इसे पकने देंगे। यहाँ पर मैं स्टॉप वॉच यानी कि टाइमर भी लेकर के चल रही हूँ कि मुझे देखना है कि ये 3 मिनट में रेडी होता है या नहीं होता है, तो देखते हैं कि ये बन करके 3 मिनट में रेडी होता है या नहीं होता है। और इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, बस बीच बीच में आप इसको स्टेयर
स्टर करते रहिए और 3 मिनट तक बस इसी तरीके से पकाते रहिए, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। इसमें आप देख सकते हैं विटामिन ए है, सी है, जिंक है। इसकी पर सर्विंग जो कैलोरी काउंट है वो आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग है। इसमें फाइबर आपको बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा, इसमें प्रोटीन आपको बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा, इसमें ट्रांसफैट जीरो है, तो और क्या चाहिए। इसमें कितनी अमेजिंग इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं, तुलसी है इसमें, टर्मरिक है इसमें, आंवला है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये तीनों ही इंग्रेडिएंट कितने ही आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, आपके हेल्थ के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। टर्मरिक में करक्यूमिन होता है जो कि अगेन आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है आपकी बॉडी में। इसमें जो आंवला है उसमें विटामिन सी होता है जो कि आपकी स्किन, आपके हेयर, आपके इम्यूनिटी सब के लिए अमेजिंग वर्क करता है। तुलसी जो है वो अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो उसमें विटामिन के होता है और ये आपके स्ट्रेस लेवल को भी काफ़ी हद तक कम करता है। और ये मल्टीग्रेन मिक्स है, इसमें ओट्स है, ग्रीन ग्राम है, अमरनाथ है, रागी है, इतनी अच्छी अच्छे ग्रेन्स जो हैं इसमें यूज़ किए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना हैवी एट द सेम टाइम कितना हेल्दी होने वाला है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइस भी कितनी रीजनेबल है, इसमें कोई मतलब आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छी बात जो ये है कि कम प्राइस में आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये मील है ये बन करके रेडी हुआ या नहीं। एंड में ये 3 मिनट्स में बन करके रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमर अभी 3 मिनट हुआ है और ये बिल्कुल रेडी हो गया है कुक हो करके। बस अब आप इसको सर्व कर लीजिए। और ये जो है इसको आप किसी भी चीज़ से गार्निश भी कर सकते हैं, लाइक आप अगर इसमें एडिशनल लाइम जूस भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसमें बीट रूट, अनियन, कुछ भी जो आपको अगर ऊपर से लेने का मन हो तो आप इसमें एडिशनल वो भी ऐड करके खा सकते हैं। मुझे बहुत टेस्टी लगता है, मैं इसमें अनियन ऐड करके खाती हूँ तो मुझे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है अनियन एंड लेमन के साथ। एंड इसको बनाने का जो एक और बेनिफिट मुझे बहुत अच्छा दिखा है कि ये आप किसी भी जगह पे इसको रेडी कर सकते हैं। आप अपने वर्क प्लेस पे, ऑफिस में, कहीं भी ले जाइए, बस इसको पाउच को निकालिए, एम्प्टी करिए किसी भी कंटेनर में और उसमें हॉट वाटर डाल दीजिए और थोड़ी देर वही 3 मिनट तक आपको इसको पकने के लिए देना है, उस हॉट वाटर में छोड़ दीजिए और देखिए ये फटाफट रेडी हो जाएगा। तो आप इसको कहीं पर भी बना सकते हैं। अब ये जो था ये कपिवा की सुपर ग्रेन जो मिक्स रेसिपी, बेसिक रेसिपी है ये वो थी। अब मैंने इसमें हल्का सा ट्विस्ट दे करके इसको और थोड़ा टेस्टी बनाने की कोशिश की है, जो कि जब आप फ्री टाइम में हो, जब आपके पास टाइम हो और कुछ आपको अच्छा हेल्दी और डिलीशियस खाने का मन हो लेकिन उसमें भी आपको कुछ फटाफट एकदम से बनाने का मन हो तो क्या आप कर सकते हैं इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट, तो वो मैंने करने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए ये रेसिपी कैसे बनेगी इसको जानते हैं। सो इस रेसिपी को बनाने के लिए अगेन हम इस पाउच में से एक पाउच लेंगे और इसको आप निकाल करके एक बाउल में सेपरेट कर लीजिए पहले। अब इस मिक्स में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर। और इन सभी चीज़ों की रेशियो एंड क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं जितनी क्वांटिटी में आपको ये बनाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिंक हिमालयन सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें पहले थोड़ा सा कम ही आप ऐड कीजिएगा क्योंकि इस मिक्स में ऑलरेडी थोड़ा सा सॉल्ट एडेड है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 2 to 3 टेबल स्पून कर्ड, फ्रेश होममेड कर्ड, और इनको हम मिक्स कर लेंगे। और इस बैटर को रेडी करने के लिए हम इसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वाटर भी ऐड करेंगे। एक बार में वाटर बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड कीजिएगा, उससे आपको कंसिस्टेंसी का इसके आइडिया हो जाएगा। अब हम एक पैन को थोड़ा सा गरम करके उसमें बिल्कुल ज़रा सा क्लेरिफाइड बटर यानी कि देसी घी लेंगे। घी जब मेल्ट हो जाए तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 to 2 टेबल स्पून कैप्सिकम बारीक कटे हुए, और बारीक कटा हुआ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे कैबेज 3 to 4 टेबल स्पून, और हम ऐड करेंगे कैरेट, लेकिन कैरेट हम बाद में ऐड करेंगे। और अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप इसमें चिली भी ऐड कर सकते हैं। देन हम इसमें ऐड करेंगे ज़रा सा बिल्कुल पिंक हिमालयन सॉल्ट, सॉल्ट आप बिल्कुल ज़रा ही ऐड कीजिएगा क्योंकि आपको याद है ना अभी हमने बैटर में भी सॉल्ट डाला हुआ है, तो इसलिए बिल्कुल हल्का सा सॉल्ट ऐड करेंगे हम इसमें। अब हम इसमें बिल्कुल ज़रा सी हल्दी ऐड करेंगे, ज़रा सी गरम मसाला, धनिया पाउडर, इन सबको ऐड करके इसको अच्छे तरीके से सॉटे करेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि वेजिटेबल्स जो है वो हल्के से पक ना जाए, मतलब पूरे ना भी पके, हल्की सी क्रंचीनेस उसमें होनी चाहिए। जब आपके बाकी वेजिटेबल्स रेडी हो जाएं तब हम इसमें एंड में ऐड करेंगे ग्रेटेड कैरेट, एक छोटा सा कैरेट आपको ऐड करना है, और
और इसको हमने सबसे आखिर में इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये ग्रेटेड है और इसको ज्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है हमें। अब हम इसमें बिल्कुल जरा सा जैगरी पाउडर ऐड करेंगे, ये टोटली ऑप्शनल है, मुझे हल्का सा मीठा पसंद है इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं बट ये टेस्ट बहुत अच्छा कर देता है तो इसलिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ। और बस ये आपकी जो फिलिंग है ये बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। अब हम इसे निकाल के एक साइड रख लेंगे और अब हम उसी पैन में हल्का सा क्लेरिफाइड बटर लेकर के इस पैन की ग्रीसिंग कर लेंगे और इसमें हम वो बैटर लेंगे जो हमने रेडी किया था। और इसको आपको बिल्कुल ज़रा सा अमाउंट में आपको ये बैटर इस पैन में लेना है और ये ध्यान रखिएगा कि बैटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए नहीं तो जो आपका रोल है वो मोटा हो जाएगा, जो कि आपको होने नहीं देना है, इसे आपको पतला बनाना है। और बस इसे अब आप थोड़ी देर के लिए पकने देंगे वन साइड से और उसके बाद इसे फ्लिप कर देंगे और ये डेफिनेटली ज़्यादा टाइम पकने में नहीं लगेगा। देख सकते हैं आप अभी ही हल्का हल्का पकने लगा है क्योंकि जब ये मिक्स ऑलरेडी बनने में सिर्फ 3 मिनट लगता है बिना किसी चीज़ के तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। बस हल्का सा आपको कुक इसलिए करना होगा सो दैट कि हमने जो इसमें बेसन मिक्स किया है वो प्रॉपरली कुक हो जाए। बस उसके लिए आप इसे कुक होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और बस दोनों तरफ से पकने के बाद आपको कुछ नहीं करना है इसमें। बस जो हमने फिलिंग इसकी रेडी की थी वो इस तरीके से बीच में आपको डाल देना है और इस चपाती को दोनों तरफ से रोल करके रेडी कर लेना और ये हमारा जो है मसाला सुपर ग्रेन मिक्स रोल जो है वो आपका बन करके रेडी हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जब आपको वो भी ना बनाने का मन हो लेकिन कुछ बहुत टेस्टी और सबसे झटपट तरीके से बनाने का मन हो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी और आपको कौन सी रेसिपी जो कपिवा की बेसिक रेसिपी है वो अच्छी लगी या फिर आप ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो मैंने हल्का सा ट्विस्ट देकर के एक रेसिपी बताई है वो अच्छा लगा, मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, यूजफुल लगी हो तो शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में फटाफट जल्दी जल्दी, आई नो बहुत देर हो जाती है बट कोशिश करूँगी जल्दी आने की। लव यू, बाय बाय।